बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर का 125वां स्थापना दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। गौरवान्वित करने वाले इस आयोजन के दौरान कर्नल ऑफ द जाट रेजिमेंट उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी मौजूद रहे। भावी रिक्रूटर्स ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर जाट रेजिमेंट की शौर्य गाथा दोहराते हुए रिक्रूटर्स को देश की आन बान और शान को सदैव अक्षुण रखने का संकल्प दिलाया गया। कोरोना महामारी के चलते अब की बार स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की श्रृंखला कम रही, मगर जोशो खरोश में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। दो दिवसीय समारोह का आयोजन कोरोना से बचाव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसकी शुरुआत परंपरागत तौर पर मंदिर में प्रार्थना से हुई। इसके बाद जाट युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ। इस दौरान रेजिमेंट के उन वीर जवानों को याद किया गया जिन्होंने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सैनिकों, रिक्रूट्स ने सलामी दी। बख्शी परेड ग्राउंड कदम ताल से कंपित था। मिलिट्री बैंड की देशभक्ति की धुनों से लोगों में देश प्रेम का जज्बा भर रहा था। उप सेना अध्यक्ष ने रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर अपने विचार रखे और जवानों को देश की सुरक्षा के प्रति प्रेरित किया। सैन्य अफसरों के मुताबिक 20 नवंबर 1995 में कलकत्ता में जाट रेजिमेंट सेंटर की स्थापना मिलतिया नाम की जगह पर हुई थी। कार्यक्रम का समापन शनिवार को वार्षिक जोड़ा बैठक के साथ होगा। इसमें वेटरन्स जाट रेजिमेंट के वरिष्ठ सेवारत अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चर्चा करेंगे। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।